तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से हम एशियन डेविस को जमा कर सकते हैं बहुत ही आसान। दोस्तों एशियन डेविस को ढूंढने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको चाहिए ऑब्सिडियन, एक पिकैक्स और चाहिए आपको एक स्लैट चाहिए टीएनटी का और थोड़ी बहुत डर्ट भी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे आप खुदाई कर सकते हो, जिसकी मुझे वही जगह सही लग रही है, इसलिए मैं पहले वहाँ तक जाऊँगा। थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद मैं यहाँ पे फाइनली पहुँच गया हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नीचे खोदते हुए जाना है जब तक इसका एंड ना आ जाए। देखिए दोस्तों ऐसे अचानक लावा आ सकता है, इसलिए आपके पास बैकअप होना ज़रूरी है। तो चलिए हम और खोलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एंड आ गया है। तो यहाँ से हमको 12 ब्लॉक्स ऊपर जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑब्सिडियन लगाना है और ऑब्सिडियन लगाने के बाद 3 ब्लॉक्स अंदर की तरफ खोदते हुए जाना, जो कि मैं भी खोद रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खुदाई जो है मैंने पूरी कर ली है और अभी आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे ऑब्सिडियन की एक लाइन बनाए। फिर आपको टीएनटी लगाते हुए जाना है। आपके पास जितने भी टीएनटी हो सारे लगा देना और वो भी 2 लाइन में, क्योंकि जब आप 2 लाइन में टीएनटी लगाते हो तो जो एक्सप्लोशन होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर आपके पास इतनी टीएनटी ना हो तो आप क्रीपर का फार्म बना सकते हो, उससे आपको ये एक ही दिन में मिल जाएगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ तक टीएनटी लगा दिए है। अभी आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए शील्ड बनानी है, जो कि कुछ इस तरह होगी। और यहाँ पे नीचे भी लगानी है। फिर आपको इसमें एक्सप्लोजन कर देना है और ये दरवाज़ा बंद कर देना है, इससे आपको बिल्कुल डैमेज नहीं पड़ेगा लगभग। तो जैसा कि आप देख सकते हो और वो देखिए हमारा एशियन डेब्रिस, ये सब हो जाने के बाद आपको सबसे पहले ये जो लावा है ये बंद करना है। जितना जल्दी हो सके आपको सब लावा बंद करना है।
फिर दोस्तों आपको ये जो एशियन गैप इसे इसको तोड़ लेना है। इससे कितना मिलता है एशियन गैप भी? सारे के सारे कलेक्ट करने के बाद 11 ब्लॉक्स हमें मिल रहे हैं एशियन डेब्रिस। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से हम एशियन डेब्रिस को जमा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।